भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की प्रक्रिया मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देखा, फिर उसके बाद हम इनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखे। हमारा जो टॉपिक है वह है इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जब 26 नवंबर 1949 को, तो फिर उसके कुछ क्लाज को इन्फोर्समेंट किस तरीके से किया गया, ये चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वेलकम टू माई चैनल सत्यवान आनंद एस्पिरेंट टू आईएएस एंड माई सेल्फ सत्यवान आनंद। हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स एंड मेंस के पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस सेक्शन को। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बनाने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के एक चरण है इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें अगर हम देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना कब बन कंप्लीट होता है, तो 26 नवंबर 1949 को बना, तो उसी दिन कुछ क्लाज को एक्टिव कर दिया गया, इन्फोर्समेंट में ला दिया गया, उसे इफेक्ट में लाया गया। जैसे अगर हम बात करें तो जो कुछ पार्ट थे, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड सर टाइटिंग, ये जो पार्ट हैं, जैसे सिटीजनशिप का मामला है, इलेक्शन, क्योंकि इन फ्यूचर हमें इलेक्शन की प्रक्रिया में शामिल होना था, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन की प्रक्रिया को शुरू करना था, क्योंकि देश में पहली बार इलेक्शन कराने की प्रक्रिया लानी थी, इसे इसे इन्फोर्समेंट में ला दिया गया, जिससे कि इलेक्शन कमीशन अपना काम करे और जब इलेक्शन कराया जाना हो तो उसके पहले सारे नियम रूल रेगुलेशन बन जाएं। जैसा कि हम देखते हैं 1950 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 आता है, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आता है, ये इसीलिए एक्टिव किए गए थे। तो हम देखते हैं कि इनके अंतर्गत जो है आर्टिकल कौन कौन से थे, तो सिटीजनशिप के अंतर्गत आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये उसी टाइम एक्टिव कर दिए गए, जबकि 10 और 11 को बाद में किया गया। 60 ये राष्ट्रपति से संबंधित है, 324 ये इलेक्शन से संबंधित है, 366, 367 ये जो है हमारे कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजन हैं, जैसे कि वहाँ पर हम मैटर देखते हैं, फिर 379 ये ट्रांजिशनल प्रोविजन को देखते हैं, ये सब आर्टिकल को 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 ये जो हैं 26 नवंबर 1949 को ही इफेक्ट में आ गए। आगे हम देखें अगर तो जो रिमेनिंग प्रोविजन थे, यानी ये जो आर्टिकल हैं इसके अलावा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 395 आर्टिकल हैं, इनके अलावा उन सभी आर्टिकल को 26 नवंबर 1950 के दिन लागू नहीं किया गया, बल्कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये जो मेजर पार्ट था हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया, ये क्वेश्चन है। अगर हम देखें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा 26 नवंबर 1949 का डेट भी मेंशन है, और साथ ही साथ उसमें कहा गया कि कमेंसमेंट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू करने का प्रोविजन इसलिए लाया गया, उसको एक रिपब्लिक डे के रूप में मनाने की प्रक्रिया एक्चुअल में स्वतंत्रता से पहले ही चल रही थी, तो इसीलिए उसी डेट को कंटिन्यू रखने के लिए वो एक्चुअल में हमारे लिए स्वतंत्रता का एक पार्ट बन गया था, और उसी को कंटिन्यू करने के लिए रिपब्लिक डे के रूप में घोषित किया गया। तो 26 जनवरी एक्चुअल हम देखते हैं कि डेट ऑफ कमेंसमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि 1930 में पूर्ण स्वराज की जो है संकल्पना रखी गई थी, जो लाहौर सेशन था कांग्रेस का, दिसंबर 1929 में लाहौर में सेशन हुए थे, उसमें जो है पूर्ण स्वराज बात की गई थी, उसी दिन से पूर्ण स्वराज डे को मनाना शुरू किया गया था। और ये किसने शुरू किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक्चुअल में ये पार्टी ने शुरू किया था, पूरे देश के लोगों ने शुरू नहीं किया था। लेकिन हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें 208 लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर चुने गए, 208 लोग केवल कांग्रेस से ही चुने गए थे, तो कांग्रेस का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने जो पहले से रिपब्लिक डे का जो कॉन्सेप्ट है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इसी डेट को पूर्ण स्वराज डे के रूप में घोषणा कर चुके हैं, हम आगे चल करके इसे रिपब्लिक डे के रूप में कंटिन्यू करेंगे। अगर हम देखते हैं कि जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन इंडिपेंडेंस इसके शुरू होते, यानी कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होते ही क्या क्या परिवर्तन हमारे देश में आते हैं,
तो उस समय जब 1947 में भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में, तो जो आजादी मिली थी वो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये एक्ट आया था, साथ ही साथ उस समय हमारे देश में जो 1946 के बाद की प्रक्रिया होती है देश में चल रही थी, वो पूरी प्रक्रिया, शासन प्रक्रिया, प्रशासन की चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चल रही थी। तो इसने जैसे ही कमेंसमेंट हुआ तो ये दोनों ही आर्टिकल रिपील हो गए, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दोनों ही एक्ट को 26 जनवरी 1950 को रिपील कर दिया गया। और अगर हम देखें ये जो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसको इफेक्ट में तो लाया गया था 1937 में, और फिर इसको 1939 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, ये फिर से इफेक्ट में क्यों आया? एक्चुअली हम पिछले वीडियो में, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग के वीडियो में देख चुके हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है वह एक्ट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, और 1921 से लेकर के 1946 तक पूरे देश का शासन प्रशासन उसी एक्ट से चला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इफेक्ट में 1937 में आया जरूर, लेकिन 37 में आने के दो साल बाद ही 1939 में उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन जब 1946 में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तो ये कहा गया कि अब जो भी रूल रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो अंग्रेजों का रूल था। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ अपने तरीके से लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा था, इंडियंस ने कहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि जब तक भारतीय अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं बना नहीं लेते हैं तब तक देश का शासन प्रशासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दो एक्ट उन्होंने तो रिपील कर दिए, लेकिन एक एक्ट जो अति आवश्यक था वो रिपील ना हो सका। वो क्या था, एवोल्यूशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949, ये कंटिन्यू रहा। ये प्रिवी काउंसिल से मतलब क्या है, ये एक्चुअल में प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड था, तो ये एबोलिश ना हो सका, लेकिन बाद में इसे एबोलिश कर दिया गया था। तो ये था हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो है इन्फोर्समेंट की चीज़ें। तो ये इन्फोर्समेंट का ये प्रक्रिया रहा कि कुछ आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को एक्टिव किए गए और बाकी 26 जनवरी 1950 को एक्टिव किए गए। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा, व्हाट नेक्स्ट की बात करें अगर, तो एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस हम यहाँ पर देखेंगे। अब हम कांग्रेस की क्यों बात करेंगे, एक्चुअली कांग्रेस ने भी अपनी एक एक्सपर्ट कमेटी बना रखी थी, तो उसके बारे में हम आगे बहुत संक्षिप्त में चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की कमेटी क्या थी। एक्चुअल में इसका इम्पोर्टेंस जो है कंटेम्परेरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, उस समय समकालीन विश्व में और समकालीन भारतीय परिस्थितियाँ क्या थी उनको देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सिर्फ इम्पोर्टेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। वीडियो को आप लाइक करें अगर अच्छा लगा हो, और कुछ भी पूछना हो कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे जुड़े रहें। और जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।